रविवार को विविध सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा पूर्वांचल के मसीहा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती समारोह मनाई गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय वीर बहादुर सिंह जनसेवा संस्थान के लोगों ने भी रविवार को इंदिरा बाल विहार स्थित स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण कर उन्हें याद किया, जिसके बाद उन्होंने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। इस दौरान संस्थान के लोगों ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के अमरता के नारे भी लगाए। इस अवसर पर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र भाजपा के वरिष्ठ नेता व नगर सहकारी बैंक के निवर्तमान चेयरमैन जितेंद्र बहादुर सिंह, हरि सिंह, राधेश्याम, गोरखपुर न्यूज चैनल के प्रबंध निदेशक व प्रधान संपादक हनुमान सिंह बघेल, सैयद अल्ताफ हुसैन, राजेश सिंह, रणजीत सिंह, पिंटू सिंह, वेद प्रकाश सिंह, बीके सिंह, गणेश प्रसाद गुप्ता सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, जब तक सूरज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, वीर बहादुर अमर, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बहादुर नाम रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं संचार मंत्री भारत सरकार के, उनके गुजरे 28 साल हो गए और उनसे जुड़े कार्यों को हम फिर से उजागर करना चाह रहे हैं कि आज भी जो भी कार्य विकास के हुए उसका आधार स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के माध्यम से हुआ और उसी आधार पर नई इमारतें बनी, विकास के नए स्तर छुए गए। तो एक तरह से हम माने तो विकास के ये जनक माने जाते हैं पूर्वांचल के, और पूर्वांचल की धरती हमेशा उनको याद करेगी। मैं सिर्फ पुत्र के नाते नहीं कह रहा हूँ बल्कि पूर्वांचल की भी धरती उनको सदैव याद रखेगी, उनके किए हुए कार्यों को सदैव याद रखेगी। धन्यवाद।